मानसी मात्रे और अंकिता कर्मकर इनकी हरकत के लिए अदालत कड़े शब्दों में उसकी आलोचना करती है और मिस्टर रौनक कर्मकर को बेगुनाह मानते हुए ये अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मुझे कुछ पूछना है। पूछिए। ये बाइज्जत बरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई भी इंसान इज फ्री टू गो, वो इंसान कुछ भी कर सकता है बाहर जाके। I'm so sorry, my lord. Mr. Naring की दिमागी हालत ठीक नहीं है। I'll prove this to the court. It's okay. इन्हें बोलने दीजिए। आप सही सोच रहे हैं। बाइज्जत बरी होने का मतलब है पूरी आजादी। तो ठीक है। इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मैं कोर्ट से कुछ कहना चाहूंगा। क्या मुझे इजाजत है? कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं। अब क्या बोलने जा रहा है तू? The case is in our favor. हम जीतने जा रहे केस। इसमें तुझे क्या बोलना है? तू मुझे बता, मैं बताऊंगा कोर्ट में। मिस्टर शेखर, लेट हिम स्पीक। आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। थैंक यू। लॉर्ड शेखर, आई मीन रौनक के लॉयर, वो ये बात प्रूव कर चुके हैं कि मैं पागल हूं। मेरे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के घर वाले, ऑफिस वाले, जो लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, वो सब यही बोलते हैं मेरे सामने या कभी कभी मेरी एब्सेंस में। और मेरा भी यही मानना है कि मैं पागल हूं। लेकिन मैं एक पागल जीनियस हूं। मेरे पागलपन का नाम है बाइपोलर, यानी कि पोल्स अपार्ट। मैं एक पल कुछ सोचता हूं तो दूसरे ही पल कुछ और। लेकिन मैं जो भी करता हूं ना, उसमें पूरा मन लगाता हूं और अपने पूरे दिमाग से करता हूं। 100% दिमाग यूज करता हूं। कोई भी नॉर्मल आदमी सिर्फ 40 या 45% ब्रेन यूज कर पाता है, लेकिन मैं अपना 100% ब्रेन यूज कर सकता हूं, इसीलिए इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी को पूछेंगे कि साल में कितने महीने होते हैं, वो बोलेंगे 12, और कितने दिन होते हैं तो 365। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि एक साल में कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड भी होते हैं। यही है मेरा पागलपन, क्योंकि मैं एक जीनियस भी हूं, सिर्फ पागल नहीं। और मेरी यही सोच और यही पागलपन की वजह से मुझे कुछ चीजें मिली हैं जो मैं कोर्ट में पेश करना चाहता हूं। देखिए, आप इस तरह कोर्ट के सामने कुछ पेश नहीं कर सकते। मैं आपका लॉयर हूं। अगर आपको कुछ भी पेश करना है तो पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा। मिस्टर शेखर प्लीज, अब आप उन्हें बोलने से नहीं रोकेंगे। कोर्ट में हर इंसान को बोलने का पूरा हक है। मिस्टर नरेन, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू योर ऑनर। एक्चुअली मेरे दिमाग में चार कंफ्यूजन है और ऐसी कंफ्यूजन किसी नॉर्मल आदमी को भी हो सकती है। मैं तो फिर भी पागल हूं, तो मैं आपको एक एक करके कंफ्यूजन बताता हूं। पहले तो मैं अपनी वाइफ आहना से बहुत अपसेट हूं। उसने मेरे छोटे नादान भाई पर एक संगीन इल्जाम लगाया, उसे रेपिस्ट कहा। मुझे नहीं लगता कि रौनक किसी का रेप कर सकता है। ऐसा मैं कल तक सोचता था, लेकिन ये चार चीजों की कंफ्यूजन के बाद अब मेरा नजरिया बदल गया।